लागी का मार्ग ओर है लग चोट काल जा करके। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी जैसे आप किया क्या, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे है तुझे, जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आले तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी प्रेत भी और पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नारद भी, लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक नारी दिखेगी आपके साथ तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, है निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब मैं हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ, आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, कबीर साहब ने उत्तर दिया जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चला जाना, चले जाना ये कान खोल के सुन लो। अब जहां भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरां के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तन्नो सोच ले ऑल आउट लग गया, हर पितर भूत बार है। एक भक्त, यहाँ तो ऐसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कह जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सियाण्या दौरे, वो जो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लठम लट्ठा होया के कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि आमने तो लाली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहा है। हम किसी का भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर आओ, अपने घर में नहीं छोड़ना, छोड़ना है उन्हें, हमारे पास नहीं रह सकते, भगा देंगे।